जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए विज्ञान के बारे में, तो क्या आप जानते हैं विज्ञान की खोज किसने की और कब की? आज इस वीडियो में विज्ञान की खोज के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम बहुत सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो विज्ञान की देन है। विज्ञान का इतिहास विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास का अध्ययन है, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान दोनों शामिल है। और विज्ञान प्राकृतिक दुनिया के बारे में अनुभवजनक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का एक पार्ट है जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। यदि आज विज्ञान नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि विज्ञान ने मानव को बहुत कुछ दिया है, जिसके दम पे आज मानव अपना जीवन इतनी सरलता से जी रहा है। आज आप खुद ही देख सकते हो कि आपके इस्तेमाल की जाने वाली छोटी से छोटी चीज, सुई से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज, एरोप्लेन, सभी विज्ञान की देन है। और इस विज्ञान को इतना आगे ले जाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत योगदान दिया है। उनके योगदान के बिना तो शायद आज इतना सब कुछ मुमकिन नहीं होता। और विज्ञान की बहुत सफलताएं आज विज्ञान ने इंसान को पृथ्वी से चांद तक पहुंचा दिया है, ये सभी विज्ञान की देन है। विज्ञान की खोज 19वीं शताब्दी में विलियम वेवल द्वारा अंग्रेजी शब्द वैज्ञानिक सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। सन 1883 में पहली बार वैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल किया गया था, और इससे पहले प्रकृति की जांच करने वाले लोग खुद को प्राकृतिक दार्शनिक कहते थे। और मध्य युग में इब्न अल हैथम और रोजन बैकन द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति विकसित करने के लिए परंपरागत रूप से विज्ञान के इतिहासकारों ने विज्ञान को पर्याप्त रूप से परिभाषित किया। और 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक विज्ञान का इतिहास, विशेष रूप से भौतिक और जैविक विज्ञान, को अक्सर एक प्रगतिशील कथा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुछ सिद्धांतों ने झूठी मान्यताओं की जगह ली थी। फिर थॉमस को ने विज्ञान के इतिहास को अलग अलग शब्दों में चित्रित किया, जिसमें विज्ञान के बाहर भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय शामिल है। वैज्ञानिक क्रांति के ज्ञान के विकास के लिए एक स्रोत के रूप में विज्ञान की स्थापना 19वीं शताब्दी के दौरान विज्ञान की प्रथा पेशेवर बन गई। इन सभी से पता चलता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान ही विज्ञान की स्थापना हुई थी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।